वेलकम शिल्पी की दुनिया। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन पे क्लिक करके। आज मैं आप लोगों को मटर कैसे छीलते हैं शिल्पी इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को मैं ट्रिक बताऊंगी आप लोगों को कि इसे कैसे आसानी से छील सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करती हूँ मैं सबसे पहले एक बर्तन में पानी ले ली हूँ मैं। इसको गैस ऑन कर दी हूँ और चढ़ा दी हूँ पानी को। अब ये पानी जो है वो अच्छे से बॉईल हो। अब छिमी छीलने में थोड़ा टाइम लगता है तो पानी जैसे ही गर्म हो उसके अंदर ये छिमी को डाल दीजिए। सारे छिलके लगे हुए छिमी मैंने पानी के अंदर डाल दिया। अब इसको 2 मिनट तक अगर मेरा छिमी ज्यादा है तो फिर मैं इसे थोड़ा बड़े बर्तन में लूंगी। ये अच्छे से बस बड़े बर्तन में लूंगी ये अच्छे से डूबे और अच्छे से एक बार खोले बस। चलिए देख रहे हैं आप लोग कि पानी जो है वो एक बार बस खोलेगा एक बार और अब इसे मैं बंद कर दूंगी। ये हो गया बंद। अब इस पूरे छिमी को मैं एक बर्तन में डाल लेती हूँ। देखिए इसको थोड़ा सा ठंडा होने दे दीजिएगा। अब जो लोग कहते हैं कि छिमी छिलना मुश्किल है उनके लिए देखिए ये पूरी पैक है। अब देखिए हल्का सा इसे दबाना है एक हाथ से बस। देखिए ये छिमी किसी भी छिमी को मैं लूंगी और एक हाथ से बस इसे एक हाथ से छिल के रेडी हो जाएगा ये छिमी। तो निकालना बहुत आसान है। इसी तरह मैं सारे मटर के छिमी को सिर्फ एक हाथ से निकाल के दिखाऊंगी आप लोगों को। सिर्फ एक हाथ से, दो हाथ का यूज करना जरूरी नहीं है कि मैं दो हाथ से निकालूं। एक हाथ से आराम से निकल जाएगा मेरा। देखिए देखिए पैक है छिमी। उसे थोड़ा सा जोर से दबाना है उसके बाद ये देखिए तुम कितना अच्छे से हो रहा है ना। देखिए आपके सामने रिजल्ट है एकदम आसानी से। रिजल्ट आपके सामने है एकदम आसानी से, एकदम मेहनत नहीं। अब छिमी छिलना एकदम आसान हुआ। मिनटों में छिमी छिल के रेडी हो जाएगी। बस गर्म पानी में डालना है खोलते हुए पानी में और फिर इसे बंद कर देना है और अब मेरा छिमी रेडी है। देखिए तो देखिए मिनटों में मेरी सारी छिमी रेडी हो गई है छिल के। तो अगर आपको मेरा ये ट्रिक छिमी छिलने का ट्रिक पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को यूं ही आप लोग देखते रहिए और मेरे ट्रिक्स और रेसिपी को फॉलो कीजिए और मुझसे शेयर जरूर कीजिए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को यूं ही देखते रहिए।